कार्टूनी वाले जो गणेश जी का मंदिर था वो उनकी मूर्ति देखो आप कितनी बड़ी है यार। और ये जो हमारे पंडित जी है श्रीमान, क्या नाम है सर आपका? रामपाल जी। रामपाल जी वैष्णव साहब हैं और ये उनके सुपुत्र ये यात्री है सर आपके। राम जी प्रसाद जी दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक स्थान है यहाँ पर। बनाना चाहे तो संपर्क कर लेना आप। ये मंदिर का दर्शन तो हमने दिखाया था और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि यार ये जो मूर्ति दिखी हुई है इस पर लेट में जो है हमारा जो कमर दर्द होता है वो मिट जाता है बताया। यार मैंने ऐसा देखा नहीं, लेकिन यार मैं जो है इधर लेट करके देखता हूँ कि वास्तव में कमर दर्द होता है या नहीं। ये जो माजी है लेट नहीं है कमर दर्द मिटाने के लिए। अब फिर भी ट्राई करूँगा, मेरे भी कमर दर्द कर रही है और देखते हैं कि मेरे पास जाता है नहीं। अगर फायदा आएगा तो मैं जरूर आपको यूट्यूब पर से जरूर करूँगा और यूट्यूब का जो स्पोर्ट है लोकेशन है यूट्यूब का। खंडर मंदिर है दोस्तों, ये चौहानों चौहानों पंडियारों परमारों का स्थान रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि इन मंदिरों को मंगे के शासन काल में से खंडित कर दिया गया था। तो वीडियो होनी है ना? हाँ होनी है। ये जो शिव मंदिर का हम क्लोजअप दिखा रहे हैं आपको, फूलों से वीडियो, ये प्राचीन प्रतियारो परमारो के समय का ये बना हुआ मंदिर है। आप ऐतिहासिक समय से देखोगे तो आप ताजुब करोगे, हमारे पुरातन मंदिर से कितना महत्वपूर्ण है। ये सारे जितनी भी मूर्ति सब खंडित कर दी गई है औरंगजेब के शासन काल में, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम है और इसकी जो हमें प्रत्यक्ष साक्ष्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और ये इतना भारी शिवलिंग है दोस्तों, यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। हिमा अंदरों निकल जाना, अंदरों के परिक्रमा द्वार बना हुआ तो इससे वो भी निकल के आते हैं। तो अभी हम अंदर तक ही रुकने पाते हैं। हाँ तो देखो, और वीडियो को नहीं रखो यार, देखो तो इतनी सी गुफा में निकलना पड़ रहा है यार। कोई ज्यादा मोटा आदमी तो फंस भी सकता है, लेकिन फंसता नहीं कोई भी आदमी। तो सर हम उधर जाएंगे थोड़ा सा, चलिए आप इधर साइड में जाइए, आइए सर आइए। तो ये सर यहाँ सर इसका क्लोज वीडियो दिखा दीजिए यहाँ से। निर्माण ऊपर आवा परिक्रमा बस होगी, परिक्रमा द्वार है सर ये। और ये वीडियो वो नहीं रखना, जो हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बुलाया कि आप यहाँ आए और इनकी जो पूजा पाठ करें। तो बिल पत्थर पाँच पत्ती का देखो आप चढ़ाइए दोस्तों। आपने पाँच पत्ती का है क्या? चार का है। चार पत्ती का बिल पत्थर है, ये पाँच पत्ती का चार ये बीच में चढ़ा दिया, छः पत्ती का है चढ़ाओ। तो मैंने पूजा करी और मैं पंडित जी को कराने के देना चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व सेवा सम्मान बड़ों का सम्मान सरकारी सेवा, ये सारे हमारे दायित्व और कर्तव्य और ऐसा हमें करना चाहिए। और ऐसा मैं
मंदिर है वहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं वहाँ का। लेडीज से बैठी है क्लोजअप, लेडीज से बैठी है ऊपर चला हूँ यार। यहाँ तो मेरे पैर जलने लग गए यार दोस्तों, बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे। तो ये जो मंदिर किसका है माजी? ये बरमानी का, बरमानी माता का। थोड़ा सा पीछे से वीडियो लीजिए। तो ये दोस्तों पुराने जमाने का जो प्रतियार और परमार को राजा महाराजा के समय का जो मंदिर है, उसकी जो मूर्ति आप देख सकते हैं साक्षात बरमानी माता का मंदिर है। और जो हमारे जो पुजारी जी हैं यहाँ पे, माजी आपका नाम क्या है? चमत्कारी कह सकते हैं कि देखो यार ऊपर से किस तरह से ये पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन ये आज दिन तक गिरे नहीं है और ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। इसमें ऐसी बात नहीं, सकते तो ऐसे। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पंडित जी के पिताजी वीडियो बन रही है 7 मिनट की। पुराना मंडप ही है मंडप जहाँ पर राजा सभा करता था और बहुत सारे जो उसके सामंत होते थे, वो सामंत यहाँ बैठते होंगे। ये और भी काफी विकसित आराम था। ये आप देखो ये अर्ध बने निर्माण हुआ है, शायद किसी औरंगजेब वगैरह कोई राजा महाराजा का काम करते हो गए, ये निर्माणाधीन है। ये सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी गई है, क्योंकि ये सारे मंदिर थे, यहाँ पर भी शायद कोई मंदिर था, लेकिन वो अभी राजा बनने लगे हैं। और जो मूर्तियां हैं वो सारी तमाम मूर्तियां इधर खड़ी हुई है। और ये इतना शानदार दृश्य रहा होगा दोस्तों, जब यहाँ पर नदी आती होगी और वास्तव में जब ये पूर्ण विकसित कंडीशन में होगा, तब इसका दृश्य कितना अच्छा रहा होगा आप ये कल्पना कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर मुझे खड़े रहने में इतना आनंद आ रहा है कि मैं यार जो मुझे अनुभव हो रहा है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता नहीं सकता, लेकिन जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मुझे मालूम है कि ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। चारों तरफ हरा भरा दृश्य और बिल्कुल धार्मिक और आध्यात्मिक भाव के साथ में यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और प्रणाम।